केंद्रीय विद्यालय संगठन की उपायुक्त सुश्री एच के सलहोत्रा सनहोत्रा और सहायक आयुक्त साई राजेंद्र कुमार द्वारा कुछ विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले को लेकर एक अभिभावक सलीम अहमद ने यहाँ दैनिक भास्कर .com से बातचीत की। सलीम भाई, बताएं कि मामला क्या है और आप क्यों प्रताड़े और क्या कर सकते हैं? मेरा मामला ये था कि मेरी बेटी जो है दानिश नगर नंबर 3 केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं, जो कि मेरे घर से 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर जो है रेत घाट पुराने शहर में है, और वहाँ से वो दानिश नगर जाती हैं और लगभग 3 घंटा जो है आने जाने में उनके खराब होते हैं, और कई बार वो बीमारी पड़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रही हैं। मेरे बच्चों का एडमिशन माननीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के कोटे से 1 नंबर में ही हुआ था, लेकिन चूँकि जो है केंद्रीय विद्यालय में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में लोकल स्तर पर स्थानांतरण की व्यवस्था है, जो कि नियम कानून के तहत ही है, और उसी नियम के तहत मैं अपने बच्चों, जबकि मेरा तो ऑलरेडी 1 नंबर में हुआ था, लेकिन 3 नंबर मुझे ये कहकर भेज दिया गया कि अभी आप वहाँ चले जाइए, फिर आपका लोकल में ट्रांसफर। कितने साल से हो गए इस मामले में? ये सनोत्रा मुझे करीब 4 साल से प्रताड़ित कर रही हैं। उनके प्रताड़ित करने का कारण भी ये है कि वो मेरी उनसे 4 साल पहले थोड़ी सी बहस हो गई थी। केंद्र सरकार के ने जो है माइनॉरिटीज के लिए स्कॉलरशिप की योजना लागू करी थी, केंद्र सरकार की योजना थी, जो कि केंद्रीय विद्यालय ने ही, जो केंद्र सरकार के अधीन में आता है, HRD के अधीन में जो आता है, उन्होंने ही उस योजना को मानने से इनकार कर दिया था। हमने जब बोला ये केंद्र सरकार की योजना है माइनॉरिटीज के लिए है, और माइनॉरिटीज में सिर्फ मुस्लिम नहीं आते, माइनॉरिटीज में और कास्ट भी आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं। आपकी बात को उन्होंने उस वक्त नहीं माना था? उस वक्त नहीं माना था, तो हमने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था, और हमारे प्रदर्शन से जब पता मध्य प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक विभाग को चला था, तो अल्पसंख्यक विभाग ने भी केंद्र सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा था,